अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र उग्र हो गए। छात्रों ने परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ उन्होंने परिसर भी बंद करा दिया। इसके बाद छात्रों ने सोवन सिंह जीना परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की शव यात्रा निकाली, जिसे कुछ दूर पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा छीन लिया गया। इसके बाद भारी संख्या में छात्र चौहान वाटा पहुंचे तथा सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। इस कारण कॉलेज परिसर में दिन भर अराजकता का माहौल रहा। यहाँ पर पुलिस बल मामला संभालने में पूरे दिन जुटी रही। ऐसा है, विगत चार दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन कॉलेज के अंदर चल रहा था। कल शाम जैसे ही हाईकोर्ट द्वारा आदेश आया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो उसके बाद से हमने विश्वविद्यालय और परिसर दोनों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा कॉलेज से एक जुलूस यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें धन सिंह रावत मुर्दाबाद के नारों के साथ कॉलेज परिसर से चौहान बैठा तक रैली होगी और उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, लगभग तीन दिनों से हमारे सभी छात्र संगठन सोमन सिंह जिला परिसर के अंदर माननीय धन सिंह रावत जी के विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए, लेकिन प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और परिसर प्रशासन ने अभी तक एक बार भी हमें न मौखिक आश्वासन न लिखित आश्वासन के तौर पर हमें कोई भी बात कही हुई है। आज हमारे समस्त छात्र संगठनों द्वारा सोमन सिंह जीना परिसर को बंद कराया गया और अनिश्चितकालीन तक यह बंद कराया रखा जाएगा। मैं माननीय धन सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ कि जो आप छात्रों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इस नाकाम कोशिश को हम लोग नाकाम होने देंगे, इस कोशिश को पूरा नहीं करने देंगे। छात्र राजनीति के दमन की कोशिश आप कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस जगह पर आज आप बैठे हैं वो केवल छात्र राजनीति के बलबूते पर बैठे हैं, तो इसलिए आज इसी तौर पर हम सभी लोग यहाँ से समस्त छात्र संगठन, समस्त छात्र चौहान बाटा की तरफ कूच करेंगे और आने वाले समय में जब तक छात्र संघ की तिथि घोषित नहीं होती है तब तक अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे और अनिश्चितकालीन तक धरने प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। ये जो है व्यवस्था है हमारी सड़ गल चुकी व्यवस्था, ये संघर्षों का गला घोंट देना चाहती है और ये लोग अपनी तानाशाही को जिंदा रखने के लिए केवल और केवल संघर्षों का दमन करना चाहते हैं। इसको मैं इसी तरीके से देखता हूँ, ये लोग उस छात्र राजनीति का दमन करना चाहते हैं जहाँ से कि शहीद निर्मल पंडित और शमशेर सिंह बिष्ट जैसे जननायक निकले, लेकिन आज वो लोग देख रहे हैं कि छात्र आवाज उठा रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, नई पौध आ रही है, नई नस्ल पैदा हो रही है, तो वो नहीं चाहते कि नए विचारों का जन्म हो। ये मैं समझता हूँ कि इसीलिए केवल और केवल छात्र राजनीति का दमन करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए छात्र राजनीति को कुचलने के लिए छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाया जा रहा है। हाँ, छात्रों के द्वारा जो है सारा परिसर और विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन है वो इस चुनाव के चक्कर में बंद करा दिया गया है और जो इनकी डिमांड है, हमने पूर्व में भी परसों भी जब ये बैठे थे तो हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था। आज भी हम इनकी जो भी डिमांड इनकी है उसको हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे ताकि वो इसमें सकारात्मक कार्रवाई करें और हम जहां पर छात्रों के हित की बात होगी हम हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं और उनका भला चाहते हैं। अल्मोड़ा से विनोद जोशी की रिपोर्ट।